चेकमेट हो जाता है। दो ग्रैंड मास्टर के बीच ये मैच हुआ था जिसमें वाइट ने चेकमेट कर दी ब्लैक की। वाइट c4 खेलता है, ब्लैक e5, ये इंग्लिश ओपन कहलाती है। नाइट c3, नाइट c6, यहाँ पर g3 मूव होना चाहिए पर वो करते हैं नाइट f3, और यहाँ ब्लैक g6 खेलता है, d4 e into d4, और यहाँ पर नाइट t4 होना चाहिए पर यहाँ पर वाइट खेलता है नाइट d5, बिशप g7 g7 करता है, जो कि इस यहाँ से ये इस पॉन को सपोर्ट कर रहा है। और अब यहाँ पर वाइट का मूव है बिशप g5। अब यहाँ पर ये नाइट यहाँ होना चाहिए पर इन्होंने किया नाइट g7। नाइट g7 एक रॉन्ग मूव है, वाइट खेलता है नाइट कट d4। अब यहाँ नाइट कट d4 होता है तो बिशप e7, क्वीन e7, नाइट e7, यहाँ पर एक क्वीन अप हो जाता है वाइट। अगर यहाँ बिशप into d4 करता है तो एक क्वीन कट d4 गुड मूव खेलता है वो। अगर इस नाइट से मारता है तो यहाँ नाइट चेक, किंग f8, बिशप h6, चेकमेट, यहाँ से चेकमेट हो जाती है। और अगर ये नाइट से नहीं मारे, इन्होंने किए शायद कैसल, कैसल करने के बाद ये नाइट f6, किंग h8 जाते हैं और नाइट g4 चेक, नाइट कट d4, बिशप f6 चेक, किंग g8, नाइट f6, चेकमेट। सिर्फ 12 चाल में चेकमेट हो जाती है। एक बार हम फिर से गेम देखते हैं। c4, e5, नाइट c3, नाइट c6, नाइट f3, g6, d4, e4, nd5। यहाँ पर नाइट d5 खेलता है जबकि नाइट d4 ओपनिंग होनी चाहिए। नाइट d5, बिशप g7, बिशप g5 नेचुरल मूव है। यहाँ पर नाइट c7 होना चाहिए लेकिन वो ये नाइट g7 करते हैं। नाइट का d4, बिशप का d4, क्वीन का d4, कैसल, नाइट f6, किंग h8, नाइट g4, किंग, नाइट का d4, बिशप f6, किंग g8, नाइट h6, चेकमेट। अगर यहाँ पर क्वीन पहले ही मार देते हैं तो बहुत जल्दी चेकमेट हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नाइट का d4, नाइट f6, किंग h8, बिशप h6, चेकमेट।